हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीटी। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, पहले मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इधर दो तीन दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी। बट वीडियो नहीं मिल पाई तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि मैं एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक खोज के लाया हूँ। और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपको किसी भी बैंक का हेडक्वार्टर नहीं भूलेगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको किसी भी बैंक का हेडक्वार्टर नहीं भूलेगा। आई थिंक टोटल बैंक जो है आपके वो 28 हैं, ठीक है? उसमें 19 कितने हैं राष्ट्रीयकृत है, मतलब नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है, 28 ही है आई थिंक। अगर जो कुछ गड़बड़ लग रहा है, 28 आपको लग रहा है नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, अच्छा, तो ये तो बात हो गई बैंक की हेडक्वार्टर, मतलब सिंपल टोटल बैंक और उसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, जो कि ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये जो बैंक और उसके हेडक्वार्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। बताओ इस बैंक का हेडक्वार्टर, मतलब ये सिंपल आप कह सकते हैं GS का पोर्सन है और उसका एक टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको सिंपली पहले दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर टोटल आपको 7 बैंक दिख रहे हैं, ठीक है ना? कितने बैंक दिख रहे हैं? 7 बैंक, ठीक है? हाँ, 7 दिख रहे हैं, एक पेज में 7 है। मैं एक लाइन खाली बोलूँगा और लाइन का एक सेंटेंस बोलूँगा और उसी के साथ ये 7ों बैंक का हेडक्वार्टर आपको लर्न हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ और गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा तो बस वीडियो के साथ बने रहिएगा और अभी आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसकी लिंक आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, तो चलिए वो लाइन अब बोल देते हैं भाई। सिंपल से सुनिए, कोई भी बैंक जिसके फुल नेम में, बहुत ध्यान से समझिए, ऐसा बैंक जिसके फुल नेम में आपको ऑफ इंडिया दिख जाए, क्या दिख जाए? ऑफ इंडिया दिख जाए, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई होगा। कहाँ होगा? मुंबई होगा। क्लियर है ना? फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी बैंक का पूरे नाम में अगर ऑफ इंडिया लास्ट में आ रहा है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई होगा। सिंपल सी बात है। तो बात आती है सर सबका होगा? जी नहीं, एक एक्सेप्शन है UBI। अब UBI में भी ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। UBI का मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी बैंक जिसके अंत में ऑफ इंडिया लगा है उसका मुख्यालय होगा मुंबई, ठीक है ना? मतलब UBI पे ये ट्रिक फॉलो नहीं होती। और UBI सिंपल कहिए, अगर UBI में बोल रहा हूँ तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ना समझ लेना भाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे ट्रिक फॉलो होती है, अर्थात उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई होगा। लेकिन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पे ये ट्रिक फॉलो नहीं होती, ठीक है ना? अब बात आती तब सर यूनाइटेड का कहाँ होगा, तो बेसिकली वो होगा कोलकाता। बहरहाल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब एक एक करके सारे बैंक को देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला है हमारा ऑफ इंडिया हो गया आपका ट्रिक, SBI बोलोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लास्ट में आ रहा है, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? मुंबई होगा। क्लियर? दूसरा ऑफ इंडिया ट्रिक, BOI बैंक ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई होगा। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ऑफ इंडिया होगा CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर क्या होगा? मुंबई होगा। क्लियर? देखिए मैं एक वर्ड बोला था उसी से सबका काम बन रहा है। आगे है आपका ओके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कहा था ना UBI है तो बोलेंगे तो UBI में यूनाइटेड का नहीं होगा मुंबई में, बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। अगला भी क्या है ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है आपका RBI, इसमें भी वही आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में होगा, ठीक है ना? अच्छा, अगले की बात करें तो 7वां जो है हमारा वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पे आपको बैंक नहीं है, बोर्ड ऑफ इंडिया, बस ऐसे दिमाग में बैठाए रहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। तो मैंने कहा था आपसे मैं आपको 7, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 7 बैंक का मैंने कहा था और मैंने आपको 7ों का दिखा दिया कि हाँ
ये सातों का आपको एक साथ याद हो गया बस एक सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है ना। मतलब ट्रिक क्या थी, ऑफ इंडिया जिस भी बैंक के लास्ट में आएगा, खाली किसको छोड़कर, खाली आपके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, सबके लास्ट में ऑफ इंडिया आए उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मुंबई होगा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिंपल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो भाई सिंपल समझ आपको पहले बता दूं, पहले आप इस पे मत देखिएगा स्क्रीन पे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, खाली बाकी देखते रहिए लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिस भी बैंक नहीं कहेंगे मतलब पंजाब, पंजाब अगर आपको लिखा दिख जाए, ठीक है ना, पंजाब लिखा दिख जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली। कहाँ होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। एक ट्रिक तो ये हो गई। अब दूसरे, तो इसका मतलब ये क्या सर, मतलब न्यू दिल्ली में खाली पंजाब का ही है? जी नहीं, न्यू दिल्ली में पंजाब का ही नहीं है, और भी बैंक्स का है। अब उसके लिए आप एक ट्रिक देख लीजिए, वो ट्रिक क्या है, दिल्ली एंड पंजाब, पंजाबी, दिल्ली एंड पंजाबी गर्ल्स, गर्ल्स को क्या बोलते हैं, महिला, आर गुड इन कॉमर्स। सिंपल आपको याद कर लेना है ये दो लाइन, मतलब दिल्ली एंड पंजाबी गर्ल्स, गर्ल्स मतलब महिला, आर गुड इन कॉमर्स। अब देखिए इसी से आपका सिंपल कैसे तैयार हो जाता है। ट्रिक क्या है, पंजाबी, मैंने क्या बोला, पंजाबी कहीं दिख जाए तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा, ठीक है। फिर क्या है, मतलब पीएनबी, तो पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा आपने बैंक सुना होगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इसका भी हेडक्वार्टर क्या होगा, न्यू दिल्ली। क्यों, क्योंकि पंजाब आ जा रहा है। अगला अगला मैंने क्या बताया था, गर्ल्स, गर्ल्स मतलब क्या, महिला, महिला ना, गर्ल्स मतलब महिला, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक, क्लियर है। अच्छा मैंने क्या बोला था, आर गुड इन कॉमर्स, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो एक बार मैं समराइज करूँ ओवरऑल, तो सिंपल सा ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कहीं आपको न्यू न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो आपका पंजाब लिखा दिख जाए, ठीक है ना, पंजाब लिखा दिख जाए, या फिर आपको क्या, गर्ल्स मतलब महिला लिखा दिख जाए, ठीक है, महिला लिखा दिख जाए, और तीसरा क्या हो जाए, तीसरा मैंने क्या बताया, कॉमर्स, ठीक है ना, सिंपल कॉमर्स, ठीक है। तो सिंपल क्या मैंने बताया, न्यू दिल्ली में किसका किसका, एक तो पंजाब का, महिला का और कॉमर्स का, ठीक है। न्यू दिल्ली में इतने हो गए। मुंबई के लिए मैंने क्या आपको बताया था, मुंबई के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक क्या बताई थी, मुंबई, मुंबई के लिए क्या बताई थी, जल्दी बताओ भाई, मुंबई के लिए क्या बताया था, ऑफ इंडिया, है ना, क्या बताया था, ऑफ इंडिया, ओके। चलिए अब एक दो बैंक की बात और कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि यूनाइटेड बैंक को छोड़कर, यूनाइटेड बैंक को छोड़कर जिसके भी बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, मुंबई। तो पता था सर यूनाइटेड का कहाँ होगा, तो भाई मेरे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शन था अपने ट्रिक के हिसाब से, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है, ठीक है। अच्छा इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए ट्रिक है अपनी, इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल आर यूनाइट, सिंपल सा है, आपको याद कर लेना है, इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल आर यूनाइट, मतलब इलाहाबाद और कोलकाता के पीपल जो हैं वो क्या हैं, यूनाइटेड, यूनाइट हैं, ठीक है ना। यूनाइट अपना यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बताएगा और इलाहाबाद और कोलकाता यूनाइटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो सिंपल देखिए, इलाहाबाद बैंक का क्या हो जाएगा, कोलकाता, यूनाइटेड का क्या हो जाएगा, कोलकाता, मैंने क्या बताया, यूनाइटेड, यूनाइटेड का भी क्या हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, कोलकाता, इधर बैंक का नाम लिखा है, इधर क्या लिखा है, हेडक्वार्टर, क्लियर। तो गाइस ये थी सिंपल हमारी ट्रिक, कैसी लगी आपको प्लीज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, और मैंने आपको प्रोवाइड भी किया, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी बताइएगा। और एक चीज़ और, हाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको लिखने का भी टेंशन नहीं है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, सी यू लेटर।